What's up guys, I am AR. आज हम बात करने वाले हैं how to make your perfume more long lasting. मेरे से बहुत सारे लोगों ने question किया कि भाई हम perfume तो wear कर लेते हैं बट वो इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म तक परफॉर्म नहीं करता. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें आपका परफ्यूम बहुत लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्म करेगा. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करें तो अभी जाएं इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, बिकॉज यहाँ पे मैं फैशन, फिटनेस और ग्रूमिंग रिलेटेड पोस्ट अपलोड करता रहता हूँ जिसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी. ऑलराइट गाइस, बात करते हैं टिप नंबर 1 की. तो आपको परफ्यूम कब यूज करना चाहिए? लेट्स से अगर आपने किसी फंक्शन पे जाना है उससे पहले आप शावर लें, शावर लेने के बाद आप परफ्यूम यूज करें, बिकॉज यही एक सही टाइम होता है जिसमें आपकी बॉडी के पोर्स ओपन होते हैं. बिकॉज जब भी आपकी बॉडी के पोर्स ओपन होते हैं उसके बाद आप परफ्यूम यूज करते हैं तो आपकी बॉडी ज्यादा परफ्यूम होल्ड करती है. इसलिए फंक्शन पे जाने से पहले आफ्टर शावर आप परफ्यूम यूज करें. टिप नंबर 2, जब भी आप शावर लेते हैं, शावर लेने के बाद एक चीज आपको जरूर करनी चाहिए, विच इज मॉइस्चराइजर. ओके, व्हाई मॉइस्चराइजर? बिकॉज जब भी आप शावर लेते हैं, स्पेशली सर्दियों में, तब आपने एक चीज बहुत ज्यादा नोट की होगी, शावर लेने के बाद आपकी बॉडी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है. और अगर आप ड्राई बॉडी पे परफ्यूम यूज करोगे तो इतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्म नहीं करेगा. इसलिए बॉडी वॉश करने के बाद जब ड्राई हो जाए उसके बाद उस पर मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करें. और मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद आप अपना परफ्यूम अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपका परफ्यूम ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्म करेगा. एक और टिप आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने मॉइस्चराइजर में ही फ्रेग्रेंस को ऐड कर सकते हैं. जब आप अपने मॉइस्चराइजर में फ्रेग्रेंस को ऐड करेंगे उसके बाद आप इसको शेक करेंगे और रख देंगे, और जब भी आप किसी फंक्शन पे जाएंगे आप जस्ट मॉइस्चराइजर यूज करेंगे, आपको एक्स्ट्रा परफ्यूम यूज नहीं करना पड़ेगा. पर ये चीज करने से आपकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा देर तक होल्ड रहेगी. टिप नंबर 4 इज यूज वैसलीन. अगर आप वैसलीन यूज करोगे तो आपका परफ्यूम और भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग स्टे करेगा. बिकॉज जब भी आप वैसलीन के ऊपर स्प्रे करोगे आपकी वैसलीन कहेगी कि बस परफ्यूम आज तुम मेरे ही हो, मैंने तुम्हें जाने नहीं देना. इसीलिए वैसलीन और परफ्यूम के प्यार को बरकरार रखें ताकि ये एक दूसरे को छोड़े ना और लोग आप पे कॉम्प्लीमेंट्स दें कि यार इस बंदे से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्म कर रही है. टिप नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसी कौन सी जगह पे परफ्यूम यूज करना चाहिए जिससे आपका परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग अच्छा परफॉर्म कर सके. तो सबसे पहले बात करते हैं आपको बॉडी के किस एरिया पे परफ्यूम यूज करना चाहिए. आपको अपनी बॉडी के पल्स एरियाज पे यूज करना चाहिए. पल्स एरियाज पे आपकी हीट जनरेट होती है और वहां पे आपका परफ्यूम ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग स्टे करता है. अब पल्स पॉइंट कौन से हैं? आप अपनी रिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, बट मेक श्योर एक चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है. बहुत ज्यादा लोग ये गलती करते हैं, अपने परफ्यूम को रब करते हैं रिस्ट पे लगाने के बाद. आपने अपने परफ्यूम को रब नहीं करना, जस्ट इसको टैप करना है लाइक दिस, दैट्स इट. इसके बाद आप अपने ईयर्स के पीछे स्प्रे कर सकते हैं, 1, 2 एंड इसके बाद आप बिहाइंड द नेक स्प्रे करेंगे, 3, दैट्स इट. लोग परफ्यूम को अपने नेक एरिया पे भी यूज करते हैं, बट अगर आप अपनी बियर्ड या शेव करवाने के बाद इसको यूज करोगे तो आई कैन गारंटी यू आपकी चीकें निकल जाएंगी, बिकॉज परफ्यूम कंटेन मोर अल्कोहल. और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब भी वो परफ्यूम अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं उनकी बॉडी पे रेड स्पॉट्स पड़ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अल्कोहल. सो व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू शुड यूज नेचुरल अतर. अतर में अल्कोहल का यूज नहीं होता और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्म करते हैं. अगर आप अच्छा अतर फाइंड कर रहे हैं तो माई रिकमेंडेशन आप अलशेक यूज करें. अलशेक के अतर बहुत ज्यादा अच्छे हैं और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्म करते हैं. अलशेक की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इनके सारे फ्रेग्रेंस 8 से 10 घंटे तक आप पे स्टे करते हैं और वो सारे फ्रेग्रेंस अपनी खुशबू हर घंटे के बाद चेंज करते हैं. और वो कौन सी खुशबू होती है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन इन्होंने अपने बॉक्स पे दे दी है. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप इनका फिजिकल स्टोर भी विजिट कर सकते हैं और आप इनका ऑनलाइन स्टोर भी विजिट कर सकते हैं. और अगर आपको कोई भी अतर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे मैं नंबर ऐड कर दूंगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं. ऑलराइट गाइस, ये सारी हमने बात की थी बॉडी की, क्या बॉडी पे कहां कहां परफ्यूम अप्लाई कर सकते हैं. आप इसको क्लोथ्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपने थोड़े फासले पे रख के स्प्रे करना है. अगर आप ज्यादा क्लोज रख के स्प्रे करेंगे तो आपके क्लोथ पे स्पॉट्स पड़ जाएंगे और हो सकता है वो बाद में ना जाए, इसीलिए आपने थोड़ा सा इसको दूर रख के स्प्रे करना है. यहाँ पे स्प्रे करके आप थोड़ा सा आगे जा सकते हैं. इस तरीके से क्लोथ पे स्प्रे करने से आपके क्लोथ पे स्पॉट्स भी नहीं पड़ेंगे और आपके क्लोथ पे परफ्यूम
एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, ये थी मेरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट मेन फ्रेग्रेंस, आप इसको किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर फैशन फिटनेस एंड ग्रूमिंग वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली अपडेट्स आप तक पहले पहुंचे। आई विश यू लुक गुड, टेक केयर।